पास इंडेक्स्ड कलेक्शन, क्या होती है इंडेक्स और क्या होता है इंडेक्स्ड कलेक्शन, चलिए चलते हैं। इंडेक्स कलेक्शन डॉट जेएस, इंडेक्स्ड कलेक्शन की जब बात करते हैं तो वो जिसमें इंडेक्सिंग होती है, तो जावा स्क्रिप्ट एरे को सपोर्ट करता है। आप इसमें वैल्यू डालते जाइए, ठीक, हर एक वैल्यू की अपनी एक इंडेक्स है। क्या इंडेक्स है? ये 23 लिखा हुआ है हमारे सामने, इसकी इंडेक्स कितनी है? 0 है। तो उसके बाद 34 की इंडेक्स कितनी होगी? 1। 56 की इंडेक्स कितनी होगी? 2। 545 की इंडेक्स कितनी है? 3। ये 87 की इंडेक्स कितनी है? 4। ये 455 की इंडेक्स कितनी है? 5। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इसकी साइज क्या है या इसकी लेंथ क्या है, तो मैं बताऊंगा 6। क्यों? कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है मेरे। अब ये इंडेक्स इनकी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें इसको प्रिंट करके देखना पड़ेगा। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए, कंसोल डॉट लॉग arr 3। जीरो, दोनों को प्रिंट कर देते हैं। थ्री पे ये दे रहा है मुझे 545, गिन लेते हैं 0 1 2 3। थ्री पे 545 है और 0 पे 23 है। ठीक, इंडेक्स पे इतना फोकस इसलिए है कि इंडेक्स कलेक्शन की इंडेक्स कभी नहीं चेंज होती। अब इसकी इंडेक्स अगर फिक्स्ड है, अब आप ऐसा नहीं कि सारे को इधर पास कर देंगे उधर पास कर देंगे, इधर रेफरेंस बनाएंगे उधर बनाएंगे, तो कभी इसकी रेफरेंस बदल जाए, कभी नहीं बदलेगी अंटिल एंड अनलेस आप इसको तोड़ ना दें। जब तक अब यह ऐसे बना रहेगा तब तक इसकी इंडेक्स नहीं बदलेगी। ठीक, ना ये कोई डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करेगा ना ही कुछ, क्योंकि इसके नीचे 0 से लेकर के एक असेंडिंग ऑर्डर में गिनती लिखी हुई इसको दिख रही है। ठीक, इसी को कहते हैं एरे। अब ये क्रिएट करने के कितने तरीका है हमारे पास। पहला तरीका है एरे क्लास का इस्तेमाल करके। दूसरा तरीका है कि एक में न्यू का इस्तेमाल करेंगे और एक में नहीं करेंगे। हम ये दोनों तरीके से चीजें बना करके देख चुके। और तीसरा तरीका है ये हमारे पास नीचे। ठीक, तो हम बाकी भी दोनों तरीकों से एरे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चीज देख चुके हैं कि न्यू लगाएं या ना लगाएं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। कंसोल लॉक करके देख लेते हैं arr1 को, रन करके देख लेते हैं। ठीक, दिख रहा है एरे बन गया ये। ऐसे ही अगर हम चाहें तो हम यहां पे न्यू लगा दें, ठीक, और arr2 बना लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सिंपल एरे लिखने बनाए वैसा ही बनके रिजल्ट मिल जाएगा, सेम बनके मिल गया। और एरे है, अगर अब हम इसको arr2 की इंडेक्स देंगे तो उसके हिसाब से प्रिंटिंग कर देगा। तो ये था इंडेक्स्ड कलेक्शन हमारा, जिसको हम एरे भी कहते हैं, और आज यही पढ़ने वाले हैं। रेफरिंग टू एन एरे एलिमेंट, देख लिया हमने arr2, ऐसे करके हम एरे के किसी भी एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। पॉपुलेटिंग एन एरे, यू कैन पॉपुलेट एन एरे बाय असाइनिंग वैल्यूज टू इट्स एलिमेंट। आप एरे बना लीजिए और उसके एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। देख लेते हैं, एक एरे बना लीजिए आप, लेट arr इज इक्वल टू ब्लैंक एरे है। अब आपने कहा कि arr के 0 पे इंडिया लिख दो, arr 1 के इस पे यूएस लिख दो, और अब आपने कहा कि इसको प्रिंट कर दो। ठीक, एरे में कुछ नहीं था, आपने बाद में उन इंडेक्स पे जबरदस्ती वैल्यूज दे दिया। क्या
क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, अगर प्रिंट हो गया तो कर सकते हैं, नहीं प्रिंट हुआ तो फिर गलत लिखा हुआ है। ठीक, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। आ गया इंडिया और यूएस। ठीक, यानी कि अगर एक एम्प्टी एरे है, एम्प्टी ना भी होता तो उसकी इंडेक्स का इस्तेमाल करके एरे को वैल्यूज दी जा सकती है। बिल्कुल सही। लेंथ, एरे की लेंथ समझना है। लेंथ इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट प्लस वन। याद होगा मैंने कहा था 5 अगर लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स थी तो 6 रिटर्न करेगा। यू कैन ऑल्सो असाइन टू द लेंथ प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं कि लेंथ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेंथ ऑफ एरे, पहली बात, एक मेरे पास एरे था, ठीक, और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग लेंथ ऑफ एरे इज arr डॉट लेंथ। देखते कितना प्रिंट कर रहा है ये। लेंथ ऑफ एरे इज 8, सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है तो लेंथ कितनी आएगी 8। और आप इंडेक्स देख सकते हैं कि 8 की इंडेक्स क्या है। तो अगर 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे तो बाय 1 की इंडेक्स 0 हो जाएगी, तो 8 की इंडेक्स 7 हो जाएगी, यानी 7 प्लस 1 यही लेंथ है। ठीक, मतलब जितने एलिमेंट है वो लेंथ है, बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग कभी भी मतलब 1 कम रहेगी ना लेंथ से। ठीक, अब इसने क्या कहा, इसने हमसे कहा एक बड़ी मजेदार सी बात कि लेकिन हमको इतना बड़ा एरे चाहिए नहीं था भाई, ढेर सारे लोगों के नाम थे, हमको उसमें से 5 ही नाम चाहिए थे, 5 ही नाम चाहिए थे। तो उसने कहा लेंथ को 5 असाइन कर दो। ठीक, और अब आप एरे को प्रिंट करिए। ठीक, तो अब अजीब सा बिहेवियर है, क्या करेगा देखते हैं। 5 करने पे किसको काट के हटा देता है, देख रहे हैं, जब आपने लेंथ इसकी 5 कर दिया यहाँ पे तो इसने पीछे से काटना शुरू कर दिया, क्योंकि लेंथ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इतनी हो गई। ये बाकी का एरे क्या हुआ, बाकी का एरे कट करके चला गया। यानी कि आप लेंथ प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। जबरदस्ती अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपने कहा कि ऐसा है कि अब लेंथ बढ़ा करके देखना है, इसकी लेंथ कर देना है 10, कुछ तो होगा ना। जब कम कर सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। वैसे एरे की एक खास बात है जावास्क्रिप्ट में कि ये मतलब नल को, यानी कि कोई एलिमेंट ना हो वैसी भी पोजीशंस को सपोर्ट करता है। तो देखिए 5 एम्प्टी एलिमेंट, देखिए यहाँ जब आपने कट किया वो कट के चला गया, बचा नहीं है कहीं, तो अब वो तो वापस नहीं मिलेगा आपको, क्या आप कहेंगे ARR6 पे अभी भी वो है, तो नहीं है, वो हट गया, खत्म हो गया। अब आपने जब इसको बढ़ा दिया तो अब आपको दिख रहा होगा 5 एम्प्टी एलिमेंट है, 5 ये वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 एम्प्टी एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये लेंथ प्रॉपर्टी है, कम करके डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को एरे से, बढ़ाते नहीं है क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ऐसे बढ़ाने का, बट फिर भी जब कम कर सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आइट्रेट ओवर एरेज, ठीक है, देखते हैं, मान लेते हैं एक एरे है मेरे पास, इसमें नाम पड़ा हुआ है, चार लोगों के नाम पड़े हुए थे। ठीक, अब अगर आपको आइट्रेट करना है इसको तो क्या करूंगा, मैं एक लूप लिखूंगा, फॉर लूप, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, स्टार्ट 0 से होगी क्योंकि पहला एलिमेंट 0 पे है, आई लेस देन arr डॉट लेंथ, कब तक चलाना है, जब तक कि इसकी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट करूंगा और 1, 2, 3, 4 तक लूप चलेगी, लेस देन 4 तक, लेस देन 4, और लेस देन 4 का मतलब है लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, लेंथ से 1 कम वही इंडेक्स की, लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स होती है। प्रिंट करके देख लेते हैं।
जो ये इंडेक्स आ रही होगी बार बार 0, 1, 2, 3, 4, बस इसको क्या करना है, ARR में इसी इंडेक्स को पास कर देना है। देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है ABCD एक एक करके प्रिंट होता चला गया यहाँ पे। ठीक, तो आइट्रेट ये एकलौता तरीका नहीं, किसी भी लूप से एरे को प्रिंट किया जा सकता है।